आपने दो मुहा सांप के बारे में जरूर सुना होगा। उसका दिखाने का मुंह कुछ और डसने का मुंह कुछ और होता है। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी महंगाई का रोना रोती है कि मोदी सरकार के आते ही महंगाई डायन की तरह सबको डस रही, लेकिन दूसरी तरफ जिस राज्य में उनकी सरकार है उस राज्य की कांग्रेस सरकार अपना राजकोषीय खजाना भरने के लिए जनता पर महंगाई का बोझ डालती जा रही है। एक तरफ तो गांधी परिवार के युवराज ने भारत जोड़ो यात्रा में महंगाई को मुद्दा बनाकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन जब उन्हीं की पार्टी की सरकार एक राज्य में जीत कर आते ही डीजल का दाम बढ़ा देती है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल की सुक्खू सरकार की, जिसने आते ही हिमाचल की जनता की जेब पटाखा डाल दिया है। आखिर कैसे जो सरकार महंगाई को कोस कर सत्ता में आई थी, उसे सत्ता मिलते ही महंगाई डार्लिंग लगने लगी है। हिमाचल प्रदेश में लोगों पर अब महंगाई की मार पड़ने वाली है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने डीजल का वैल्यू एड टैक्स में बढ़ोतरी करने की अधिसूचना जारी की है। राज्य में अब डीजल पुराने मूल्य से 3 रुपए महंगा हो गया है। डीजल पर प्रति लीटर 4.40 रुपए लगने वाले वैट को बढ़ाकर 7.40 रुपए किया गया है। अब राज्य में डीजल के दाम 83 की जगह 86 रुपए से ऊपर पहुंच गए हैं। वैट अधिनियम 2005 के तहत दरों में संशोधन करते हुए राज्यपाल की ओर से शनिवार देर रात की गई सूचना जारी की गई और डीजल के नए दाम तुरंत प्रभाव से लागू हो गए। अब जो डीजल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 83 रुपए के आसपास मिल रहा था, वो 86 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। राजधानी शिमला में डीजल की नई कीमत की बात करें तो यहाँ डीजल 83.16 रुपए प्रति लीटर से अब 86.17 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सुक्खू सरकार ने वैट में बढ़ोतरी कर महंगे डीजल का झटका कैबिनेट विस्तार से एन पहले दिया है। रविवार को सुक्खू सरकार में 7 मंत्रियों और 6 मुख्य संसदीय सचिवों को शपथ दिलाई गई है। इससे पहले शनिवार देर रात को राज्य सरकार ने डीजल पर लगने वाले वैट में बढ़ोतरी को अधिसूचित कर दिया था। माना जा रहा है कि राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया है। गांधी परिवार के युवराज को बताना चाहिए कि क्या उनकी भारत जोड़ो यात्रा में जो महंगाई का मुद्दा है, उसके कांग्रेस शासित राज्य की महंगाई नहीं आती है क्या, या उनके पास कोई ऐसा ऐनक है जिससे सिर्फ बीजेपी शासित राज्य की ही महंगाई दिखती है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिखावा और राजनीतिक स्टंट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। एक कहावत है हमारे समाज में कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेना। आपने भी कुछ ऐसी ही हरकत कर दी है। बीते शुक्रवार दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, लेकिन उससे पहले ही सदन में हो गया हंगामा और फंस गए गांधी के सिद्धांतों को मानने और कथित तौर का दावा करने वाले आम आदमी पार्टी के पार्षद। हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, सदन में हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद सदन में नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के पार्षदों की ये गर्दी उन्हीं के लिए गले की फांस बन गई है। सूत्रों के अनुसार पीठासीन अधिकारी एक सख्त रिपोर्ट आम आदमी पार्टी पार्षदों के खिलाफ बनाकर उपराज्यपाल विनय सक्सेना को सौंपने वाले हैं, जिसके बाद गेंद उपराज्यपाल के पाले में चली जाएगी। संविधान के जानकारों के अनुसार उपराज्यपाल चाहे तो हंगामा और हाथापाई करने वाले पार्षदों को निलंबित भी कर सकते हैं, जिसके बाद हो सकता है कि आम आदमी पार्टी पार्षदों की पार्षदी भी चली जाए और उसके बाद उनके हाथ से मेयर और डिप्टी मेयर सीट भी जा सकती है, क्योंकि हंगामे के मामले में पीठासीन अधिकारी और एमसीडी की रिपोर्ट के आधार पर पार्षदों को सदन की 1 से 3 बैठक तक निलंबित किया जा सकता है। डीएमसी एक्ट में इस तरह की कार्यवाही का प्रावधान है। उपराज्यपाल के पार्षदों को सदन से निलंबित करने का निर्देश देने की स्थिति में आम आदमी पार्टी के महापौर और उपमहापौर चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल सदन की बैठक में हंगामे की शुरुआत आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने की थी। हालांकि भाजपा के पार्षद भी बाद में हंगामा करने में पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एमसीडी के अधिकारियों का मानना है कि सदन में हंगामा होने के कारण पार्षदों की शपथ और महापौर और उपमहापौर का चुनाव न होने पर उपराज्यपाल कड़ा कदम उठाएंगे। अगर आम आदमी पार्टी पार्षदों का निलंबन होता है तो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव दिलचस्प हो जाएगा और जरा भी राजनीतिक समीकरण बदला तो आम आदमी पार्टी दिल्ली के छोटे सीएम की कुर्सी न गवा दे। फिर आम आदमी पार्टी की स्थिति उस व्यक्ति की तरह हो जाएगी कि हाथ तो आया लेकिन मुंह को नहीं लगा। बिहार के महागठबंधन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। नीतीश कुमार के खिलाफ महागठबंधन के विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार में कोई सियासी खेला हुआ तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिहार एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की राह पर है। नीतीश कुमार यानी कि बिहार के ओजस्वी मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव, इन दोनों के बीच कुछ सही नहीं चल रहा। पलटू राम पलटने के फिराक में है, तो वहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है। आपको बता दें, नीतीश कुमार के नए गठबंधन में एक बार फिर से दरार दिखाई देती है।
वैसे तो राजद के एंग्री यंग मैन यानी कि सुधाकर सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोले हुए हैं। अब राजद के एक और विधायक का बागी बयान सामने आया है। आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल ने भी सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को लेकर सवाल उठाया है। दरअसल राजद विधायक विजय कुमार मंडल विधानसभा की कमेटी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान जब राजद विधायक से ये पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार की समाधान यात्रा से जनता को कोई फायदा मिलेगा, तो उन्होंने सीधे तौर पर इस पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को यूपीए सरकार और पूर्व की केंद्र सरकार के मंत्री रघुवंश सिंह के कामों का फायदा मिला है। उन्होंने नीतीश कुमार के विकास के कामों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 17 साल में बिहार का क्या विकास हुआ है, ये सभी जानते हैं। आरजेडी विधायक विजय कुमार सिन्हा ने सुधाकर सिन्हा की तरह ही महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार पर सवाल उठा दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव के आगाह करने के बावजूद ऐसा बयान दिया है। आपको बताते चलें कि अभी कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने ये बात कही थी कि महागठबंधन के साथी दलों पर बोलने का अधिकार केवल लालू प्रसाद यादव और उनका है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए फैसले के बावजूद आरजेडी के कई नेता जेडीयू के खिलाफ बागी हैं। विजय कुमार मंडल ने ये भी कहा कि इस समाधान यात्रा से अगर किसान का भला हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। मंडल ने ये कहा कि ब्लॉक से लेकर सचिवालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लेकिन सरकार समाधान खोज रही है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन में जारी नूरा कश्ती पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन बेमेल है। विजय कुमार मंडल के सवाल उठाने पर ठहाका लगाते हुए जीवेश मिश्रा ने कहा कि अभी ये सवाल तो उनके गठबंधन के लोग ही उठा रहे हैं। जब बीजेपी ये सवाल उठा रही थी तो विपक्ष में बैठे होने के नाते हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अब आरजेडी के लोग गठबंधन में रहकर नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं तो ताजा स्थिति है बिहार की, जहां जनता के सेवक सिर्फ अपने फायदे के लिए पूरे राज्य की बलि देने के लिए तैयार हैं, अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जनता की समस्याओं को तो बाद में समाधान करेंगे। आम आदमी पार्टी और इस पार्टी के मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने आम आदमी शब्द से भी विश्वास उठा दिया है, इस शब्द के सहारे वो राजनीति में काबिज हुए हैं। लेकिन आम आदमी शब्द का इस्तेमाल करके वो असल आम आदमी को मूर्ख बना रहे हैं, और ऐसा हम नहीं बल्कि जनता खुद बताती है। बताते हैं आपको कि दिल्ली नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 6 जनवरी को होने वाला था। चुनाव के लिए वोटिंग से पहले शपथ ग्रहण शुरू होते ही हंगामा हो गया। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों में जबरदस्त झड़प हुई, सदन में कुर्सियां तक चल गईं। इसके बाद हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। दिल्ली का मेयर कौन होगा, किस पार्टी का होगा, इस सवाल को लेकर आम लोगों में हर रोज बहस हो रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच भी मेयर चुनाव को लेकर दिनों दिन तकरार बढ़ती जा रही है। केजरीवाल एंड कंपनी को डर सताने लगा है कि भगवा दल कहीं एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर पद पर कब्जा न कर ले। दरअसल आम आदमी पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आप मेयर चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस के पार्षदों से संपर्क साध रही है। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के 9 पार्षदों का समर्थन हासिल कर मेयर की कुर्सी अपने नाम करना चाहती है। आपको बता दें कि कांग्रेस के 9 में से 7 पार्षद अल्पसंख्यक हैं। मेयर चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट की घोषणा की है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि कांग्रेस का वॉकआउट करना भाजपा को फायदा दे सकता है। आम आदमी पार्टी को ये डर है कि सदन में बहुमत होने के बावजूद भी कहीं उन्हें मेयर की कुर्सी से हाथ न धोना पड़े। मालूम हो आपको कि दिल्ली में मेयर डिप्टी मेयर के साथ 6 स्थायी समितियों के चुनाव के लिए भी वोटिंग होनी है। स्थायी समिति में कुल 6 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी को इनमें से 3 सीटों पर जीत की उम्मीद है। वहीं भाजपा 2 सीटों पर जीत सकती है। बची हुई 1 सीट के लिए दोनों पार्टियों में मुकाबला है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मेयर और डिप्टी मेयर की सीट वही जीतेंगे। इसी बीच आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया कि पार्टी कांग्रेस पार्षदों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से दिल्ली पीसीसी अध्यक्ष अनिल चौधरी ने साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने वॉकआउट के फैसले पर अड़िग है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के कुल 134 पार्षदों ने जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी के 104 पार्षदों ने जीत दर्ज कराई थी। वहीं कुल सीटों में से 9 सीटें कांग्रेस के पाले में आई, 3 सीटों पर अन्य का कब्जा रहा। पिछले 15 सालों से दिल्ली एमसीडी में भाजपा का दबदबा था। आम आदमी पार्टी ने भाजपा से एमसीडी की कुर्सी छीन ली, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों में जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। सदन में बहुमत होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी डरी हुई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के पार्षदों का समर्थन लेकर आम आदमी पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को अपना सपोर्ट देती है, या कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी का ये दाव उसी के लिए भारी पड़ जाए और बीजेपी बाजी मार ले जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।